कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा स्मार्ट भी होते हैं और सोचते हैं कि हमारा टाइम ख़राब होगा, इसलिए वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। दो टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, एक लिखा हुआ है, एक हमने बताया हुआ है। तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो पूरी देखें, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो, क्वेश्चन देखिए आप पूरा और समझिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो आज एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा मुझसे कि ये वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आ सुगर फैक्ट्री हैविंग थ्री बैच टाइप क्रिस्टलाइजर्स। अच्छा, बैच टाइप क्या होता है? तो बैच टाइप में क्या होता है, एक लिमिट में एक चार्ज किया जाता है, या मान लो पैकेट टाइप में होता है कि एक पैकेट गिरा दिया जो भी मैस किट है, फिर वाल्व बंद हो गया, ठीक है, फिर उसका फिर गिरा दिया, फिर वाल्व बंद कर दिया। तो ये होते हैं बैच टाइप। और कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस ही आपका मैस किट गिरता रहता है और चलता रहता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि अ सुगर फैक्ट्री हैविंग थ्री बैच टाइप क्रिस्टलाइजर्स ऑफ 80 टन ईच। ईच का मतलब है जो तीन बैच पेन है, तीनों की कैपेसिटी है 80 टन फॉर ए मैस किट। ए मैस किट के लिए ये तीन बैच टाइप दिए हुए हैं। एंड कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर ऑफ 250 टन एंड 300 टन। और जो कंटिन्यूस टाइप के हैं उसमें एक जो है वो 250 टन का है और दूसरा क्या है 300 टन का है। ये इसकी कैपेसिटी है क्रिस्टलाइजर की। फॉर बी एंड सी, बी की कैपेसिटी है 250 टन और सी की कैपेसिटी है 300 टन। मैस्किट ट्रीटमेंट रिस्पेक्टिवली। इफ ए मैस्किट परसेंट केन इज 28, कैलकुलेट द केन क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पर डे एंड बी एंड सी मैस्किट परसेंट केन। तो क्वेश्चन निकालने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो ए मैस्किट परसेंट केन होता है वो 28 से 30% होता है, और बी मैस्किट परसेंट केन जो हमारा होता है 10 से 12% रहता है, और सी मैस्किट परसेंट जो रहता है हमारा 5 से 6% रहता है, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलाइजर क्या करता है कि कूलिंग करता है, मैस्किट की क्या करती है, कूलिंग करता है, क्यूरिंग करता है। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए क्यूरिंग एंड कूलिंग टाइप ऑफ ए मैस्किट इज 2 से 4 आवर। जो कूलिंग होगी और क्यूरिंग होगी, तो जो इस ए मैस्किट है इसका जो टाइम लगता है इसमें 2 से 4 घंटे लगता है, ठीक है, 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो देखिए स्ट्राइक पर डे, जो स्ट्राइक पर डे आ जाएगा, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे मान लो लगते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे 6 स्ट्राइक हो गए, 6 स्ट्राइक, या ठीक है 6 स्ट्राइक हो गए क्रिस्टलाइजर में। अब देखिए इसके बाद में टोटल मैस्किट पर डे, अब टोटल मैस्किट पर डे निकालेंगे। तो देखिए 3 गुणा 80, 3 हमारे बैच टाइप हो गए, 80 कैपेसिटी हो गई, और इंटू 6, 6 मतलब एक स्ट्राइक 6 बार गिरेगा, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, मैस्किट हो जाएगा। तो 1440 पर टन पर डे हमारे पास में ए मैस्किट आ जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो टोटल मैस्किट जो होता है वो होता है कितना, 28% रहता है कैपेसिटी का, ऑन 28% ऑन केन रहता है। तो केन क्रिसम कैपेसिटी इंटू मैस्किट परसेंट केन। तो टोटल मैस्किट हमारे पास में पता है 1440 टन पर डे, और ए हमारी कैपेसिटी हो गई, और 28% हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगी प्लांट की हमारी 5142.8 TCD, मतलब 5142.8 TCD। तो ये तो आ गई कैपेसिटी, ठीक है। अब आता है कि बी और सी का हमें मैस्किट कैलकुलेट करना है परसेंट केन। अब कैलकुलेट करना है बी एंड सी मैस्किट परसेंट केन। तो पहले बी की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइजर फॉर बी, बी के लिए क्रिस्टलाइजर की कैपेसिटी दी हुई 250 टन। अब देखिए क्यूरिंग और कूलिंग टाइम जो बी मैस्किट का रहता है वो 10 से 12 घंटे का रहता है, तो हम मैक्सिमम 12 घंटे ले लेंगे। तो हमारे पास में क्वांटिटी ऑफ बी मैस्किट की कितनी आ जाएगी, 250 डिवाइडेड बाई 12, और हमारे पास में आ जाएगा 20.83 टन पर आवर, ठीक है। अब पर आवर को कैलकुलेट कर देंगे डे में, तो 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 599.92। तो हमारे पास 500 टन पर डे आ जाएगा, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया कि आपने निकाल लिया कि क्वांटिटी क्या है, और दूसरा तरीका क्या है कि देखिए
जो हमारे पास में स्ट्राइक दी है 10 से 12 टन 12 आवर, इसको सॉरी ये हमें टाइम दिया है, इसको हम स्ट्राइक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब स्ट्राइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 24/12 करेंगे तो टोटल स्ट्राइक हमारी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी एक दिन में। और तो हमारी कैपेसिटी जो दी है बी की 250 टन दी है, तो 250 × 2 कर देंगे तो हमारे पास में 500 टन पर डे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेथड है, एक ये भी मेथड है, दोनों समझ में आ गया। आप स्ट्राइक निकाल के इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर जो टाइम दिया उससे डिवाइड करके आप डिमांड निकाल लीजिए। ठीक है, अब आ जाता है बी मैस्केट परसेंट केन। तो बी मैस्केट परसेंट केन का जो फार्मूला रहता है, क्वांटिटी ऑफ बी मैस्केट डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी गुणा 100। तो 500 आपकी बी मैस्केट है और प्लांट की कैपेसिटी 5142 है, गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा बी मैस्केट परसेंट केन 9.72% केन आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, आप कैलकुलेट कर देंगे सी के लिए, सी मैस्केट परसेंट केन। तो कैपेसिटी ऑफ सी क्रिस्टलाइजर कितनी दी है, 300 टन दी है। और क्यूरिंग एंड कूलिंग टाइम कितना रहता है सी मैस्केट का, 22 से 24 घंटे का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटी दी है उसे हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो 12.5 टन पर आवर आ जाएगा। ये हमारी सी मैस्केट की क्वांटिटी आ जाएगी। और डे में कन्वर्ट करने के लिए 24 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300 टन पर डे। तो इस अब देखिए, अब दूसरा तरीका क्या है कि 24 दिया हुआ है, तो देखिए एक दिन में स्ट्राइक कितनी हो जाएंगी, 24 घंटे में 24/24 एक स्ट्राइक हो जाएगी। तो जो हमें कैपेसिटी दी हुई है एक दिन में एक ही बार, मतलब जो क्रिस्टलाइजर में पारा पैन गिर रहा है, तो देखिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 300 आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इंक्रीज करने के लाइन भी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी कॉपी भी भर जाएगी और तरीके भी आपको पता लग जाएंगे। तो एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका आपका स्ट्राइक से निकाल लीजिए। ठीक है, तो नाउ सी परसेंट केन कितना आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सी मैस्केट डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी गुणा 100। तो 300 / 5142.8 × 100 और ये हमारे पास में 5.83% आ जाएगा। तो देखिए, अगर ये आपको पता होगा कि जो हमारा ए मैस्केट रहता है 28 से 30% रहता है और बी मैस्केट हमारा 10 से 12% रहता है और सी हमारा 5 से 6 रहता है, तो अगर आपके इसकी रेंज में वैल्यू आ रही तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है। और रेंज इनसे बहुत ज़्यादा जा रही है या बहुत कम आ रही, तो आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, समझ में आया तो क्वेश्चन तो लाइक कर दें और वीडियो को कमेंट ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें।